झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है स्कूल को लेकर। अभी नहीं खुलेंगे कस्तूरबा स्कूल। 21 दिसंबर से 2337 हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू, और जाने शिक्षा विभाग का क्या है आदेश। राज्य सरकार ने भले ही 21 दिसंबर से कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। इसे खोलने को लेकर बाद में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के आदेश में आवासीय विद्यालयों को खोलने का जिक्र नहीं किया गया है। खबर है रांची से। ठंडी में खिड़की के पास बैठकर धूप सेक रहे हैं लालू। फरमाइश पर राजद सुप्रीमो को दिए जा रहे हैं पकवान। रांची स्थित रिम्स के पेंग वार्ड में ही अब लालू प्रसाद ने अपना कोना ढूंढ लिया है। यहाँ उन्हें दिन भर धूप मिलती है। डॉक्टर ने बढ़ते ठंड को देखते हुए उन्हें धूप में बैठने की सलाह दी है। लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड में शिफ्टिंग के बाद कटलेज में कोरोना संक्रमित नर्सों को रखा जाता है। इस वजह से उन्हें धूप में बैठने से परेशानी हो रही थी। इससे इतर उन्होंने अब पेइंग वार्ड के ही पहले तल्ले पर एक खिड़की का किनारा देख रखा है। यहाँ वे दिन भर बैठ कर अखबार पढ़ते रहते हैं। यह खबर है धनबाद से। मुख्यमंत्री पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी हुए हमलावार। नैतिकता के आधार पर मांगा इस्तीफा। भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुंबई मॉडल दुष्कर्म प्रकरण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह गंभीरता मामला है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के साथ ही सीबीआई जांच की अनुशंसा भी करनी चाहिए। किराया विवाद बढ़ा, 22 दिसंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे धनबाद के ऑटो चालक। यह खबर है धनबाद से। ऑटो रिक्शा चालकों का किराया विवाद बढ़ गया है। इसके खिलाफ ऑटो चालकों ने 22 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। संयुक्त टेम्पो संघ के प्रतिनिधियों ने शनिवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी को इस संबंध में अपना मांग पत्र सौंप दिया है। ऑटो चालक की ओर से कहा गया है कि 18 दिसंबर को हुई बैठक में यह तय हुआ था कि पहले की तरह ऑटो रिक्शा जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, किराया भी उतना ही लिया जाएगा। पर आज उन्होंने जानकारी मिली है कि न्यूनतम किराया फिर से 6 कर दिया गया है। इस वजह से ऑटो चालक और सवारी के बीच सुबह से ही विवाद शुरू हो गया है। ऑटो से सवार करने वाला यात्री 6 रुपये से ज्यादा मांगने पर देने से इनकार कर रहे हैं। इसे लेकर हंगामे की स्थिति बन रही है। बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर 22 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। शहर वासियों को हड़ताल की सूचना देने के लिए ऑटो चालक संघ घूम घूम कर इसकी घोषणा भी करेगा। जिला प्रशासन से इसकी भी अनुमति मांगी गई है। 2 माह ऑफलाइन क्लास के बाद शुरू होगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं, सीओ ने किया स्पष्ट। यह खबर है जमशेदपुर से। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रैक्टिकल की परीक्षा कम से कम 2 माह ऑफलाइन क्लास होने के बाद ही होगी। 10वीं से 12वीं के लिए ऑफलाइन तो 8वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर। बच्चों के घर तक पहुंचाया जाएगा कंटेंट। 10वीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई सोमवार से स्कूल में शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं अब 1ली से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इनकी सुविधा के लिए इस सत्र में सिलेबस को कम किया गया है। नया सिलेबस विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, संशोधित सिलेबस बच्चों व उनके अभिभावकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। लोहे व स्टील को ग्रेफिन पाउडर देगी नई जान। जमशेदपुर के तार कंपनी में हुई इसकी शुरुआत। यह खबर है जमशेदपुर से। टाटा स्टील की अनुसंगी इकाई तार कंपनी में ग्रेफिन पाउडर का नया प्लांट लगा है। इस पाउडर से रड सहित लोहे व स्टील से निर्मित सामानों में जंक नहीं लगेगा। शुक्रवार को इस नए प्लांट की शुरुआत तार कंपनी के MD नीरज कांत व वायर प्रोडक्ट्स लेबर यूनियन के अध्यक्ष तारकेश्वर पांडे ने फीता काट कर दिया है।
लॉकडाउन के बाद पहली बार शहर के किसी कंपनी में नया प्लांट लगा है और उत्पादन भी शुरू हुआ है। कंपनी के अंदर 1000 वर्ग फीट जमीन पर नए प्लांट को लगाया गया है। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध, जानिए कौन कौन हुआ बीजेपी में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचते ही वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। न सिर्फ ममता बनर्जी की टीएमसी बल्कि सीपीआई और कांग्रेस के लिए भी कल का दिन बड़े सियासी घटनाक्रम से भरा रहा। शाह की मौजूदगी में टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा। टीएमसी को झटका देने वालों में सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है। मोदी जी ने कहा, कृषि सुधारों का किसानों को मिलने लगा लाभ, आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद करे उद्योग। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 24वें दिन भी पहुंचे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 6 माह पहले कृषि क्षेत्र में जो सुधार किए गए उनका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने उद्योग जगत से ग्रामीण भारत के उत्पादकों को विश्व बाजार में पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि गांव में पैदा होने वाले जैविक जड़ी बूटी और कृषि उत्पादकों को बेहतर समर्थन मिले तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर पहुंच सकती है। अमित शाह पहुंचे स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली, बोले उनके सिखाए मार्ग से पूरा विश्व समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह उत्तर कोलकाता स्थित स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थल पर पहुंचे। शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो मार्ग दिखाया है उससे न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी के महापुरुष के आदर्श आज की दुनिया में और भी प्रासंगिक है। टाटा को एंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड, पीएम मोदी बोले अब दुनिया को आत्मनिर्भर भारत की क्षमता दिखाने का समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फाउंडेशन सप्ताह कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टाटा ग्रुप को एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ सेंचुरी का अवार्ड दिया। टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा ने इस अवार्ड को प्राप्त किया। पीएम मोदी ने उनकी सराहना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने 60वें गोवा मुक्ति दिवस पर राज्य के लोगों को दी बधाई। कल गोवा अपनी मुक्ति दिवस की 64वीं वर्षगांठ मना रहा था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि गोवा की मुक्ति की वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं। हम उन लोगों को बहादुरी को याद करते हैं जिन्होंने गोवा को मुक्त कराने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया कृषि कानूनों से जुड़े ग्राफिक्स और बुकलेट, पढ़ने और व्यापक रूप से साझा करने की दी सलाह। नए कृषि कानून के बारे में शंकाओं और भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से किसानों को यह बताने जताने की कोशिश जारी है कि तीनों कृषि कानून उनके हित में है। केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर दूसरे मंत्री भी किसानों और अन्य लोगों को लगातार संवाद कर कृषि कानूनों के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि ये उनके हित के लिए है। करोड़ों किसानों को राहत, खातों में किस दिन आएगी रकम, पीएम मोदी ने किया ऐलान, जानिए। केंद्र सरकार की मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि 25 दिसंबर को किसान निधि की अगली किस्त आ जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की घोषणा करेंगे। नहीं रहे आरएसएस का नायक, शोक में डूबा पूरा देश, दुखी हुए सभी दिग्गज नेता और स्वयं सेवक। आरएसएस के विचारक कहे जाने वाले एमजी वैद्य ने महाराष्ट्र के नागपुर में अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के अनुसार उनकी अंतिम विदाई आज होगी। वे 97 वर्ष के थे। बता दें कि वे कुछ ही दिनों से बीमार चल रहे थे जिसके कारण उन्हें नागपुर के स्पंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी सांस ली।
कोरोना पर बड़ा खुलासा, चीन ने 10 लाख लोगों को पहले ही लगा दिया था टीका। कोरोना को लेकर चीन एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है, उनका झूठ पकड़ा गया है। पहले तो उसने वुहान की लैब से कोरोना वायरस के प्रसार की बात को मानने से इनकार कर दिया था, अब खुद चीन ने कोरोना को लेकर जो बातें कही है उसके शक और गहरा गया है। मर रही पाकिस्तान की जनता, पीएम इमरान खान बोल रहे क्या करे अब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही देश की जनता की परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इमरान खान ने एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि गरीब से परेशान लोग आखिरकार क्या खुदकुशी कर ले। अपने देश की जनता के लिए जवाब देते हुए इमरान ने कहा कि क्या करें अब। बस इसके बाद से इमरान खान की जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। एक देश का पीएम जब ऐसे जवाब देगा तो उस देश की जनता का क्या हाल होगा। खबर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में एक दर्दनाक घटना घटी, बस ट्रक की टक्कर में दर्जनों मौतों से दहल उठा बांग्लादेश। हादसा देख सन्न रह गए सभी लोग। बांग्लादेश में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां ट्रक और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हालांकि घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हादसे के चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सिर्फ 194 रुपये में मिलेगा LPG सिलेंडर, पेटीएम लेकर आया नया ऑफर। अब आप रसोई में इस्तेमाल होने वाला LPG गैस सिलेंडर 694 की जगह मात्र 194 रुपये में बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। कंपनी आपको गैस सिलेंडर बुक कराने पर 500 रुपये का कैशबैक दे रही है। आइए बताते हैं कि इसका फायदा उठाने का तरीका। बताते चले कि पेटीएम से पहली बात गैस सिलेंडर बुक कराने पर ही 500 रुपये के कैशबैक का फायदा मिल रहा है। आपको गैस बुकिंग के लिए 694 रुपये का ही भुगतान करना होगा। 500 रुपये का कैशबैक आपके ATM खाते में वापस आ जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक खत्म, सोनिया ने पार्टी को बड़ा परिवार बताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके आवास 10 जनपद पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ हो रही बैठक खत्म हो गई है। इस संबंध में पवन बंसल ने बताया कि बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी को एक बड़ा परिवार बताया, साथ ही कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करने की बात कही। युवाओं को फायदा ही फायदा, शुरू हो रहा है PMKBY का तीसरा चरण। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस बात की जानकारी कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दी है। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि इस बार योजना में जिला स्तरीय कौशल समितियों का मजबूत करने पर जोर दिया गया है, स्थानीय कौशल जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब खबर खेल जगत से। 19 दिसंबर से जुड़ा विराट कोहली का भयानक रिकॉर्ड, इसी दिन हीरो बने और अब बने जीरो। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अगर टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड अपने नाम लिखवाया था तो उनके नेतृत्व में ही टीम ने ठीक 4 साल बाद न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया और संयोग से ये दोनों रिकॉर्ड एक ही दिन 19 दिसंबर को बने। भारतीय टीम एडिलेड ओवल में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में केवल 36 रन पर ढेर हो गई, जो उसका 88 साल के टेस्ट इतिहास में न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले पिछला रिकॉर्ड 42 रन का था, जो भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 24 जून 1974 के लॉर्डर्स में बनाया था और भारतीय टीम ये मैच 8 विकेट से हार गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।